किसान भाइयों, सीजन बड़ा टफ रहा आपके, बारिश पड़ती रही बीच बीच में और बहुत मेहनत करनी पड़ी किसानों को। अगर ये बड़ी मशीन ना होती, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो भाइयों लान नहीं कटता बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये छोटी मशीन है सादी पत्ती वाली फेल है कई साल से। कुछ लोगों को मन में एक धारणा है कि बारीक भूस वही देती हैं, ऐसा नहीं है। ये चार फनर की हैं, इनसे कैसे ही भूस ले लो, बहुत बारीक निकालती हैं। सादी पत्ती वाली जो हैं उसमें एक छाल मोटी निकलती है, एक बारीक रैनी, इसका एक साइज होता है। ये भाइयों ने 3-3 लाख रुपए के आसपास ली थी इन्होंने, बालाजी की हैं इंजीनियर। तो मशीन एक साथ लेना बड़ी मेहनत का काम है भाइयों, भी आज भी नहीं निकल पाता, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे 5-5 बीघे गेहूँ बोते हैं, गन्ने की खेती होती है ज़्यादातर। इन्होंने ये स्प्रे मशीन भी ले रखी अपनी और अपना कंप्यूटर मांझा है, क्योंकि अपना भी काम है, कुछ ठेके की बोल लेते हैं। सीजन बहुत ज़बरदस्त रहता है इनके लिए, क्योंकि इनके संबंध ऐसे हैं कि कई गांवों तक इनका साम्राज्य है। तीसरी मशीन इनकी ये है सुच्चा सिंह की, ये भी बढ़िया काम कर रही है। ये भी पिछले साल ली थी, तो 3 मशीन अभी इनके पास हैं और काफ़ी कृषि यंत्र हैं। ये प्लाव है, ये भाइयों हंस वालों का बहुत गजब चलता है, हमने अपने मैसी पे चलाया 45 पे। इसका बनावट देखिए आप, हापुड़ के भी बने हैं। हमारे गांव में एक हापुड़ का आया था, बहुत परेशान हुए, 3 वाला काट छांट बेचारों ने करवाई, वो मज़ा नहीं आया। तो और का तो नाम ही नाम है भाइयों। ये ज़्यादातर हंस के यंत्र रखते हैं, मांझा भी इनके पास हंस का ही है। ये रहा, और ये टीलर भी हंस वालों का, 9 खुरपों का, भारी वाले फ्रेम में है। अच्छा, हंस का ज़्यादा पसंद क्यों करो तुमने, पहले और चला के देखे? चला बढ़िया जी, सूखे में चला लो, तुम क्या ही चला लो, जैसे खतौली के चलाए मज़ा नहीं आया। ये सस्ते हैं, वैसे ही हड़के रह जाओ, सस्ते भी फिर तो काम भी नहीं करते जब बड़े ट्रैक्टर चला रहे हम। हाँ सही बात, कैसे जोड़ लो तुम सूखा पार। तो ये रोटावेटर बिकाऊ है कैसे? नहीं जी, तुम चला रहे जी, ये दिखाई देता नहीं चलता हुआ, जड्डों में काम ज़्यादा आ रहा सर्दियों में, इसलिए अब तो एक से कर रहे काम। अच्छा अच्छा, उस टाइम पे दोनों चला रहे, एक से काम नहीं हो पाता। हाँ वही तो भाई, आलू बोने की मशीन है और इनका बड़ा लेजर भी है, जैसे वो समय कुछ इनके घर भी दूसरी जगह भी खड़े हैं यंत्र, बल्कि लेजर दे देंगे कोई लेगा तो। लेजर ये बड़े वाला भाई, वो ढड़ा हुआ है, देखो कितना ज़बरदस्त लेजर है, इसे ये बेच भी देंगे। ये देखिए हैवी खुरपे हैं इसके, हाँ तो मेरे ख्याल है उठता भी नहीं होगा, एक तरफ से इतना भारी हो, बहुत ज़बरदस्त है लेजर। इसकी पंखड़ी देखिए आप कितनी मोटी है, हाँ रास्ते में दिक्कत पड़ा है, चौड़े रास्ते, 3-3 मीटर की वो 4-4 फुट की चक्रो वाला, 5-5 फुट की, तो वहाँ दिक्कत आ गई। हाँ जी, उसमें बताओ कैसे मोड़ लेंगे। और भाई ये कुटेसरे का इनका वो है कल्टीमीटर, कटड़े चलाते हैं, बहुत ढाल चलता है। और ये इनका अर्जुन 555 है, इसे बेचने को कह रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। ये देखिए कितनी तकड़ी इसकी हैवी लिप पट्टी है भाई, ये पट्टी नहीं टूटने की जीवन में भी, बहुत तगड़ी बना रखी है, बड़ी हैवी पट्टी है। ये देखिए अर्जुन 555 अल्ट्रा 1, पिछली मैं वीडियो दिखा चुका हूँ, थ्रेसर पे चलता हुआ और रोटावेटर पे, क्या शानदार आवाज़ है। फार्म ट्रैक 30 स्टार्ट हो गया भाइयों, ये तो इनका शेर है, शुरू में लाए थे, इसको बेचने का मतलब नहीं है इनका। ये भी भाइयों हंस वालों की हैरो है, 8 तवों की, 8-8 तवों की। अभी से लेजर पे लेके जा रहे हैं, लेजर भी हंस वालों का है। वैसे लगा दिया, देखो ड्राइवरी
वैसी बैक करके घाल दी खूंटी है। तो नहीं, जब भी आओगे मैं बता दूंगा। तो एक बात बताओ, जैसे तीनों मशीनरी थारी कौन सी ना बढ़िया काम करा, कुछ फर्क है ना? सब में एक ही बात है? नहीं, फर्क तो ये है थोड़ा सा, अल्ले में थोड़ा सा दिक्कत सी आ रहा है। इसका भी ज्यादा भरी है ना, पट पत्ती है इसमें, और वे जो है ये तो अल्ला सिल्ला कह रही है सब। तो अच्छा, दोनों में कुछ एक मिनट को इधर को, दोनों जैसे ली हैं कुछ चेहरा, कुछ दो भाइयों में फर्क हो, पांच उंगली एक सार नहीं होती, तो इनमें कुछ फर्क है या सेम है? बिल्कुल सेम है, कोई गड़गड़ाहट एवरेज में अंतर हो कुछ नहीं? बराबर एक सी चली काम दोनों। तो जितनी लागत लगाई इतना तो कीमत नहीं पिटी होगी, कई साल में फ्री होंगे। तो ये तो देखो जी, काम ही हमारा ये, हाँ काम ये है, अगले साल भी काम करेंगे, आज अगले साल करेंगे फिर। तो आपका तो नहीं बेचनी इनमें से कोई चीज? अब बिल्कुल थारी पसंद की आ गई? हाँ जी, मेरी पसंद तो खैर भी, तो पर यह है अपना मगा भाई, सब सब सारा चार ले चाहिए। हाँ हाँ, नहीं मतलब कुल मिला के ये है, आप संतुष्ट हो तुम? हाँ जी। अच्छा, उसमें वो पहिया सा लग रहा ऊपर, इसमें नहीं है? ये बर्मी है जी, इसमें बर्मी, इसमें नहीं लगवाई थी? इसमें नहीं लगवाई, इसमें देख के लगवा कर, पहले से थोड़ा सा जो दिक्कत मान रहे थे यहाँ से जो ना, ये कभी डोले मार है, बाकी डोले मार ही नहीं, जो थोड़ा सा देख वेख सी। हाँ, तो ये जो भराएंगे कोई बढ़िया जुगाड़ लगा? हाँ जी, अच्छा जुगाड़ है, यहाँ से अब से हट गए ऐसा टोली लगवाओ यहाँ, और टोली में टेक दो, डाले पे लगा दो उसके, ड्राम भरते रहो और घेरते रहो उसमें, ये बढ़िया फायदा है जी। अच्छा, इसमें कनस्तर एक का गिरना पड़ा है? हाँ जी, इसमें एक का कनस्तर गिरना पड़ा है, दरअसल लेबर नहीं आती जी, अब जा लेबर ये कह रही कि किसान का ना इलाज ना भरे बस की नहीं, तो बड़ी कुसाम दराम करके रखने पड़ रहे, अभी बर्मी है फिर इसमें देखेंगे, इसमें लगवाऊंगा अगले साल। अच्छा, बर्मी का लाभ लगा? हाँ जी, फायदा। तो ये यहाँ तो नहीं लगने की लग जाएगी? बना सके कोई या वहाँ से किट लेकर आ जाओ? हाँ जी, वहाँ से मंगानी पड़ेगी, यहीं लग जाएगी। हाँ, इसमें तो बहुत जुगाड़ है, इससे लगा देगा जाए ऐसे देख के। हाँ, इसमें है नहीं है? तो कीमत का तो अंतर होगा 10-20 हज़ार का? इसमें 15,000 का जी। 15,000 का? हाँ, पर हमारे यहाँ इतने बड़े सीजन नहीं होते, मशीन ज़्यादा होगी, किसान कम होवे, फिर भी खैर मंडे रहे आदमी। अब की बात तो दुआला किसानों कह रहे हम अगले साल गेहूँ नहीं बोनेंगे, इसके समय पर कटे ही नहीं जी। अब लोग पड़े, अभी एक आधा कब भी होगा? एक वर्षों काट डाउन करा हुआ, बड़ी दुर्गति है, लावा नहीं मिलते, लावा नहीं मिलते, बहुत बड़ी दिक्कत है, लेबर नहीं करना चाहती काम। हाँ, इसे तो बेकार मानने लगे इस काम को। हाँ जी, रोटी खा रहे हैं इस चीज़ की, लेकिन इसे करना नहीं चाहते, और काम मिल जा, पानी पियाने का, दफ्तर का मिल जा, लेकिन हाँ लाड़ नहीं काटना चाहते, गंदा मानना है इस काम को, हीन भावना। बाकी थोड़े दिन बाद ही काम बंद हो लेगा जी, मशीन वशीन का भी बंद तो हो जाए क्या? तो लेबर नहीं जी, अब बड़ी कुसम कर लेबर रखनी, तो नाच पैदा नहीं होगा, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कैप्सूल बनाओगे, ये दवाई वाले उनके मजा होगा, ये कैप्सूल खा लो, पानी पी लो, छुट्टी। अब 70 साल जी रहा, फिर जी 30-35 साल बस कितना जी, फिर ऐसे ही होगा 30-35-40 साल एंड हो जाएगा भाई। जब अन्न की कदर नहीं हो रही, काटने वाला नहीं, झाड़ने वाला नहीं, लेबर को भी गुस्सा रहा इसके प्रति, किसान कहाँ लो बोवे, किसान बो तो लेगा, संगवावे कौन? तो किसान भी दुखी होकर छोड़ देगा। तो ये तो दोस्तों, आज की वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी, कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं। देखो मौसम ख़राब है, किसान का भूसियाँ पड़ा है, अभी संगवाने का टाइम नहीं है, इसके लिए पलवल का जुगाड़ तो करना पड़ेगा। करनी लाओगे जी, थोड़ा सा 22-23 बीघे हमने बेकार नहीं जाए। अच्छा हाँ जी, ये कमरे भरे पड़े दोनों जो है। अच्छा, भूसा अपना? हाँ, तमें तो चाहिए था, डंगर डोर है। हाँ जी, कुछ पहले इसमें जो थोड़ा सा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक, नमस्कार।